दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। है मान्यवर, उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेगी। बेटा, आज मैं तुम्हें जिंदगी में 13 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 13 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। इसलिए बेटा, इन आदतों को बड़े ध्यान से सुनना। पहली आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। यह दुनिया की सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं। सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना माया रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास। यह सब तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। दूसरी आदत, अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ सीखते रहो। यही आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने भी अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। वह हमेशा अपने काम के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहे हैं। जिंदगी में हम जितना सीखते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं, अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक छोटा बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत, सुनो ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चौथी आदत, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई भी जोखिम ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो, जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का, या फिर वही अटके रहने का जहां पर अब भी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, जोखिम लेकर, एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। पांचवी आदत, खुद को समझो और समय दो
उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो तो अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। आदत नंबर 6, असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में 6वीं आदत है, असहमत होना और मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हां में हां मिलाते रहो। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है, और ना बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का, तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है, तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जहां जरूरत हो वह मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। आदत 7, निर्णय लेना सब खो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है, इस तरह लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। आदत 8, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 10 सफल आदतों में से 8वीं आदत है, समय की कीमत करना। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से, कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कहीं नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहे हो, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो और खुद को जानने में लगाओ। आदत 9, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है, अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी,
हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दे। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। आदत 10, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी कर जाता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बेटा, यह आदतें अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने किसी एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।